हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। कल जैसे नॉर्सेट 5 का रिजल्ट, मेंस का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उस पर एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। लेकिन ये एक सेकेंड वीडियो मैं उसी एनालिसिस के बेसिस पे लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कैटेगरी वर्सेज जो वैकेंसी है उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है नॉर्सेट 5 की, वो है 3595। 3595 हमारी टोटल वैकेंसी नॉर्सेट 5 को दी हुई थी। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ी कम लग रही है, तो कैसे कम लग रही है मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये जो टोटल वैकेंसी है मैंने कैसे कैलकुलेट की और ये कम क्यों लग रही है आपको। और जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है नॉर्सेट 5 में, वो है 9112, मतलब 9112 कैंडिडेट्स नॉर्सेट 5 मेंस में क्वालिफाई हुए हैं। और टोटल वैकेंसी अवेलेबल आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओनली 3595 है। ये जो वैकेंसी चार्ट है एम्स का है, इसके अलावा NIITRD, CNCI कोलकाता, LHMC एंड डॉक्टर आर्यमन हॉस्पिटल दिल्ली, इन सब की वैकेंसी भी इसमें ऐड करके मैंने ये टोटल की है। लेकिन ये फिर भी आपको कम लग रही होगी, तो इससे एक मैंने यहाँ पे पहले ही नोट दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, This all the above mentioned values are calculated without adding PWD vacancy and qualified candidates. मतलब इन total vacancy में से जो मैंने female PWD और male PWD की जो vacancy है ये मैंने इसमें calculate नहीं की है, इसलिए overall vacancy जो यहाँ पे 3799 plus जो other hospitals है जिनकी vacancy का chart और अलग male female नहीं दिया हुआ था, उनकी total 84 vacancy है, उसमें से भी जो PWD कैंडिडेट्स की है मैंने कैलकुलेट नहीं की है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स भी डाल रखा है कि PWD वैकेंसी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की गई है। और उसी के साथ साथ ये जो है टोटल, आप बोलोगे सर 9140 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं लिस्ट में हमें दिख रहा है, तो वो सही है। और ये जो मैंने किया है ये भी सही है, क्योंकि मैंने इसमें PWD कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफाई हुए उनकी काउंट नहीं की है। तो ये जो एनालिसिस हमारा पूरा रहने वाला है वो रहने वाला है ओनली नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। हैंडीकैप जो PWD कैंडिडेट्स के लिए है उनके लिए ये नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ से मैंने स्किप कर दिया है अवेलेबल वैकेंसी और क्वालिफाइड लिस्ट से भी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो टोटल कितना गैप है, तो इस हिसाब से आप कॉम्पिटिशन देख सकोगे, आगे आपको पता चल ही जाएगा। लगभग 3500 वैकेंसी है हमारे पास और 9000 यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो ऑल पर्टिकुलर एम्स का प्रेफरेंस वाइज आप कट ऑफ आगे देखेंगे ही, जैसे अलोकेशन अलॉट होगा ही एम्स तब आपको कट ऑफ मैं आपको बता ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो अवेलेबल वैकेंसी और कैटेगरी वाइज देखेंगे, ये साइड हमारी कैटेगरी की रहेगी और ये रहेगी अवेलेबल वैकेंसी वर्सेस कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए हैं। तो अनरिजर्व फीमेल की वैकेंसी जो है 1515 है और क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है 891। तो यहाँ पे आप वैकेंसी ज्यादा है क्योंकि ये जनरल कैटेगरी है, तो इन सारी कैटेगरी में से ओबीसी एससी एसटी जिनको भी अबोव 50% मिले हैं टॉप 10 को, ये सारे जनरल में कैलकुलेट किए जाएंगे और इनको इस वैकेंसी में से एम्स अलॉट किया जाएगा। तो ये जरूरी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मेल अनरिजर्व के जो कैंडिडेट है 343 वैकेंसी है और 247 क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाइंग मार्क आपको पता है अनरिजर्व EWS के लिए 50% था, OBC के लिए 45, SCST के लिए 40% था। PWD हमने इसमें से भी स्किप किया है, तो इसलिए ये दिमाग में नहीं रखना है। EWS फीमेल वैकेंसी थी 341 और क्वालिफाई हुए 364। यहाँ पे कंपटीशन आप देख पा रहे हो, वैकेंसी कम है क्वालिफाई ज्यादा हुए हैं। मेल के लिए देखो आप 82 वैकेंसी है थी और 203 क्वालिफाई हुए हैं, तो इसमें से बस 82 लोग ही है आउट ऑफ 200 जो टॉप 82 रहेंगे, या फिर कुछ रैंक 82 तक नहीं बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल रैंक 82 नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से भी रैंक में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि कोई प्रेफरेंस डाल दे अच्छा और उसको वो मिल जाए, तो कोई लोग होते हैं जो प्रेफरेंस दूर का डाल देते हैं उनको वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अप टू 82 रैंक मिलेगा ये कंपल्सन नहीं है, लेकिन टॉप 82 को मिलने के चांसेस है, उसमें से ऊपर 2-3 नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रेफरेंस गलत डालते हैं या प्रेफरेंस के अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनको नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा आगे पीछे चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कंपटीशन रहने वाला है। अब ओबीसी में सबसे
ज्यादा रहेगा क्योंकि फीमेल के लिए 540 वैकेंसी रही थी और 2428 लोग फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। मेल के लिए देखो आप 114 वैकेंसी थी और 1784 क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स रहे हैं। तो इसमें से जो है आउट ऑफ 1784 114 लोग को सीट मिलेगा, लेकिन इन 114 जो ही प्रेफरेंस डालेंगे टॉप 114 जो होंगे ओबीसी में, वो जो वैकेंसी प्रेफरेंस डालेंगे उसके ऊपर से इसलिए 120 तक रैंक आगे पीछे खिसक सकता है। तो ये ध्यान में रखना, ये जरूरी नहीं है कि 114 ही लास्ट कट ऑफ रहेगा, इससे आगे भी कट ऑफ जा सकता है, इससे ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है। ऊपर तो नहीं जाएगा शायद, इससे आगे भी जा सकता है, 120 तक कट ऑफ आप अज्यूम करके चलो, क्योंकि तो प्रेफरेंस के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा चेंजेस होते हैं। फीमेल एससी कैंडिडेट जो है 287 वैकेंसी रही थी और 1371 क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है। इसमें भी आप देखो कितना गैप है, अप्रोक्सीमेटली 800-900 आपको यहाँ पे गैप मिल रहा है, मतलब 1300 है यहाँ पे, 200 है, तो आप देख रहे हो कि 1100 का गैप है वैकेंसी और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में। मेल कैंडिडेट जो 71 वैकेंसी थी, 1055 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं। एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी थी 172, क्वालिफाइंग कैंडिडेट है 595, और मेल के लिए वैकेंसी थी एसटी मेल 46 और 174 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो ये जी चीजें हैं, जैसे आप रेफरेंस डालोगे तो लोग, अदर जो यूट्यूब चैनल्स होंगे या कोई लोग आपके रिलेटिव्स में होंगे, कोई आपके नोन होंगे, जो बोल रहे होंगे कि ये जो सर ने वीडियो डाला है इसमें से ये जो अवेलेबल वैकेंसी है, जो अवेलेबल वैकेंसी है वही आपका कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन ये गलत है। इसके आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है, इसके थोड़ा आगे जा सकता है, इससे कम तो आपका कट ऑफ होना नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स नॉर्सेट 4 की तरह ज्यादा मतलब कम नहीं है, तो इसलिए ज्यादा ही है। तो ये सारा जो कट ऑफ है ये डिपेंड रहेगा आपकी प्रेफरेंस, आपने क्या क्या डाली है। अगर आपने जैसे जोधपुर, राजकोट, नागपुर, भोपाल, ऋषिकेश ऐसे एम्स टॉप में डाले हैं, तो उसमें कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा, तो उसमें हो सकता है कि ये जो ये आप वैकेंसी का हिसाब से कट ऑफ देख रहे हो तो पर्टिकुलर एम्स में भी ये आगे पीछे चेंज देगा। तो इसलिए ओवरऑल अगर कट ऑफ देखा जाए तो वो इससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि होता है कि ज्यादा रैंक वाले भी, जैसे जिनका 1000 रैंक है वो भी लोग 1000 रैंक पे जो मेल कैंडिडेट है वो भी राजस्थान के लिए या राजस्थान जोधपुर एम्स जो है उसके लिए कॉम्पीट करेगा, तो उसको वो नहीं मिलेगा। तो हो सकता है 1001 पे जो कैंडिडेट है जिसने एम्स देवघर, एम्स कल्याणी जैसा एम्स सिलेक्ट किया है, तो उसको वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 वाला कम था, मतलब रैंकिंग आप समझ सकते हो कि एक ही रैंक में डिफरेंस था, लेकिन 1001 वाला लग गया और 1000 वाला नहीं, उसको नहीं अलॉट हो पाया क्योंकि उसका प्रेफरेंस अलग रहा है। तो उस प्रेफरेंस में भी कट ऑफ आपको डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसलिए श्योर शॉट कट ऑफ हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर सबको ऐसे देखा जाए कि जिनको भी प्रेफरेंस डाला है तो टॉप जो है, जैसे कि वैकेंसी के हिसाब से अगर सबको मिल जाए तो यही कट ऑफ रहने वाला है। जैसे कि अनरिजर्व फीमेल के लिए 1515 का टॉप रहेगा, मेल के लिए 343 रहेगा, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ एवरीवन, मतलब सबके प्रेफरेंस जो डाले हैं उसके हिसाब से अगर जाए तो ही ये कट ऑफ रहने वाला है। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची, ये जो कट ऑफ रहने वाला है जो वैकेंसी के हिसाब से, सब अगर प्रेफरेंस के हिसाब से जाएगा तो, नहीं तो इसमें आपको भारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि अलोकेशन मिलेगा उसके बाद में आपको पता चल ही जाएगा, और मैं आप तक वो वीडियो डिटेल एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचाऊंगा, तो आपको आगे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको मदद होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूले। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।